हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी मेरा एकेडमी। आज हम बात करेंगे सेट 6 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ आरडी शर्मा। सो लेट गेट स्टार्ट। लर्नर्स बिफोर गेटिंग स्टार्ट, इससे पहले कि जो मेरे वीडियो थे सेट 1, सेट 2, सेट 3 एंड सेट 4, जो आपके वीडियोस थे उसमें सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे आरडी शर्मा के। सो प्लीज़ मेरे ये वीडियो को एंड तक देखिए, आपको यहाँ सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे फॉर क्लास 11 चैप्टर 7। सो लेट गेट स्टार्ट फॉर अ सेट 6। सबसे पहले सेट 6 के अंदर आपको क्वेश्चन नंबर 1 देखने को मिलेगा। इन हाउ मेनी वेज 5 बॉय एंड 3 गर्ल कैन बी सीटेड इन अ रो सो दैट द नो 2 गर्ल्स आर सीटेड टुगेदर। क्वेश्चन सेज दैट 5 बॉयज हैं और हमारे पास 3 गर्ल्स हैं। अरेंजमेंट कुछ इस तरह से करना है कि 3 लड़कियां जो हैं साथ में ना बैठें। यहाँ लिखा हुआ है नो 2 गर्ल्स सीटेड टुगेदर, मतलब 2 लड़कियां जो हैं साथ में नहीं बैठें। ओके, बॉयज साथ में बैठ सकते हैं बट लड़कियां जो हैं वो साथ में नहीं बैठे। कुछ इस तरह से रहेगा कॉन्क्लूजन। देखिए, मान लीजिए 1, 2, 3, 4, 5, मतलब यहाँ बॉयज़ बैठा दिया मैंने, यहाँ भी बॉयज़ यहाँ भी और यहाँ भी 1, 2, 3, 4, 5, क्योंकि हमारे पास नंबर ऑफ बॉयज़ 5 है। अब बॉयज़ तो मैंने बिठा दिए, अब इसके बाद में गर्ल्स का कुछ इस तरह से अरेंजमेंट करना है कि भाई गर्ल्स जो है साथ में ना बैठे, 2 गर्ल्स। तो देखिए, यहाँ गर्ल्स बिठा सकते हैं, यहाँ 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 और यहाँ, तो मतलब 1, 2, 3, 4, 5, 6, मतलब 6 प्लेस पर हम गर्ल्स को सिट करा सकते हैं। मतलब ये एक अरेंजमेंट है जिससे कि हम क्या कर सकते हैं, कोई भी 2 लड़कियों को साथ में नहीं बिठा सकते। ये वो अरेंजमेंट है, मतलब लड़कियों को जो है हम 1, 2, 3, 4, 5, 6 6 प्लेस पे बिठा सकते हैं और बॉयज जो है वो 5 प्लेस पे सिट कर सकते हैं। ओके, तो देखिए इसका जो है ना हमारे पास आंसर आएगा वो क्या आएगा, 5P5, दैट मीन्स जो बॉयज़ हैं वो क्या है, अपनी जगह जो है चेंज करेंगे 5 फैक्टोरियल 5, मतलब 5 परम्यूटेशन 5 से। ओके, उसके बाद में जो गर्ल्स हैं, गर्ल्स 6P3, क्योंकि हमारे पास जो पोजीशन है वो कितनी है, 6 है और टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी है हमारे पास, 3। तो देखिए इस तरह से इसे हम सॉल्व करेंगे तो हमारा जो आंसर है वो आ जाएगा 5 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 6 माइनस 3, मतलब कि 5 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 6 माइनस 3, डेट मीन्स कितना आ जाएगा यार, 3 फैक्टोरियल। तो ये हमारा हो जाएगा यहाँ आंसर। फाइन, नाउ मूविंग टुवर्ड द क्वेश्चन नंबर 2। हाउ मैनी वर्ड कैन बी फॉर्म फ्रॉम द लेटर ऑफ द वर्ड डॉटर। फर्स्ट वन द वॉवल आर कम टुगेदर एंड द सेकेंड वन द वॉवल आर नेवर कम टुगेदर। डॉटर वर्ड है आपके पास, उससे आपको क्या करना है, लेटर यूज करके आपको वर्ड बनाना है। कंडीशन आपके पास 2 हैं, वॉवल साथ में आ सकते हैं और सेकेंड कंडीशन है वॉवल साथ में नहीं आ सकते हैं। तो सबसे पहला स्टेप, डॉटर में कितने लेटर हैं। दूसरा स्टेप आपको ये चेक करना है कि इसमें कितने वॉवल्स हैं। आफ्टर दैट कितने वॉवल्स हैं, उसके बाद में किस तरह से इसका अरेंजमेंट किया जा सकता है। तो देखिए सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि डॉटर में कितने लेटर्स हैं। तो नंबर ऑफ लेटर्स अगर मैं बात करूँ डॉटर में तो कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 नंबर ऑफ लेटर्स हैं। सो मैं लिख दूंगी यहाँ पर नंबर ऑफ लेटर इन वर्ड डॉटर आर 8। फाइन, नाउ द वॉवल्स, वॉवल्स कितने हैं डॉटर के अंदर वो देखेंगे हम। द वॉवल्स आर ए यू एंड ई। देखिए ए है, यू है और ई है। सो कितने हो गए वॉवल, 3 वॉवल हो गए मेरे पास। अब सबसे पहली कंडीशन जो है वो चेक करते हैं हम। पहली कंडीशन सेज द वॉवल्स आर कम टुगेदर, मतलब जो वॉवल है वो साथ में आए, मतलब 1, 2, 3, ये 3 जो स्पेस है आपकी वो साथ में आए। ये देखिए 1, 2, 3, ये 3 जो है साथ में आए, वॉवल्स कम टुगेदर और उसके बाद बचे हुए वर्ड, बचे हुए कितने वर्ड, 1, 2, 3, 4, 5, क्योंकि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। देखिए यहाँ पर जो 3 वर्ड हैं वो साथ में आए, मतलब वॉवल साथ में आए और बाकी जो वर्ड है वो अलग जाए। ओके, तो देखिए यहाँ पर ये जो 3 वर्ड हैं ये आपस में अपनी जगह चेंज कर सकते हैं और ये जो 3 वर्ड हैं इन्हें हम क्या कर सकते हैं, ये जो 3 लेटर है, सॉरी 3 लेटर जो हैं ये हम इसको एक लेटर मान सकते हैं। बचे कितने, 5, मतलब 1, 2, 3, 4, 5, 6, मेरे पास टोटल लेटर कितने हो गए, 6। तो देखिए ये जो हमारे पास वॉवल है मैंने इन्हें एक साथ ले लिया, इसे मैंने एक ही लेटर मान लिया है, ठीक।
एक ही लेटर मान लिया इसे मैंने, तो यहाँ मेरे पास टोटल नंबर ऑफ लेटर कितने हो गए हैं, 6 लेटर हो गए। तो इसे हम अरेंज कितने वे में कर सकते हैं, 6 फैक्टोरियल वेज में। तो देखिए यहाँ मैं लिख दूंगी सबसे पहले सॉल्यूशन में, व्हेन द वोवेल्स कम्स टुगेदर देन वोवेल ए यू ई टेक एज अ वन यूनिट, सो नंबर ऑफ लेटर आर 6 फैक्टोरियल। 6 फैक्टोरियल मेरे पास आ जाएगा, फाइन। तो अब मैं क्या करूंगी, 6 फैक्टोरियल तो मेरे पास आ गया, बट यहाँ पर जो ये 3 वोवेल है ये अपनी पोजीशन आपस में भी तो चेंज करेंगे भाई, कभी यहाँ ए आ गया, कभी यहाँ यू आ गया, कभी यहाँ ई आ गया, तो ये आपस में अपनी पोजीशन चेंज करेंगे। तो अब इसके लिए इंटू कर दीजिए बस 3 फैक्टोरियल का, तो ये लीजिए आपका आंसर यहाँ आ जाएगा। इसको हम पूरा सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो रिक्वायर्ड आंसर है वो आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास 4320। नाउ मूविंग टुवर्ड द सेकेंड वन, सो सेकेंड वन जो है वो भी बिल्कुल इजी है। यहाँ बोल रहा है द वोवेल नेवर कम टुगेदर, वोवेल्स जो है वो साथ में नहीं आएंगे, ठीक। तो अगर वोवेल साथ में नहीं आएंगे तो ये कंडीशन कैसे आ सकती है, पहला वोवेल्स जो है मतलब सारा आपका जो डॉटर का वर्ड है, डॉटर वर्ड है उसका पूरा का पूरा आप अरेंजमेंट कर लीजिए, उसमें से अगर मैं सब्रैक्ट कर दूं जब वोवेल्स साथ में आ रहे हैं, तो अगर मैं पूरा का पूरा जो अरेंजमेंट डॉटर वर्ड का जो बन रहा है आपका वर्ड, उसमें से अगर मैं सब्रैक्ट करती हूँ वोवेल्स कम टुगेदर, तो मेरे पास वो बचे हुए वर्ड्स आ जाएंगे, तो जिससे कि मैं क्या कर सकती हूँ, वोवेल्स नेवर कम टुगेदर ये मेरे पास बन जाएगा। तो मेरे पास ये अरेंजमेंट बनेगा कैसे, बस मुझे क्या करना है, सब्रैक्शन करना है। तो सब्रैक्शन के लिए सबसे पहले तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ये जो डॉटर है इसका मेरे को क्या करना पड़ेगा, अरेंजमेंट करना पड़ेगा। सो मैं यहाँ लिख दूंगी नंबर ऑफ वर्ड्स बाय यूजिंग डॉटर आर, मतलब नंबर ऑफ वर्ड्स बाय यूजिंग डॉटर कितने बनेंगे, 8 फैक्टोरियल, क्योंकि 8 लेटर है ना टोटल, 8 फैक्टोरियल। उसके बाद में यहाँ पर 8 फैक्टोरियल बन गए, अब आप बाद में क्या करना है, बस यहाँ पर बोला है कि वोवेल्स जो है साथ में आ रहे हैं, उसमें से मैं सब्रैक्ट करूँगी ना यहाँ, तो वोवेल्स साथ में आ रहे हैं उसको बस मैं सब्रैक्ट कर दूंगी। तो यहाँ पर लिख दूंगी मैं बस वोवेल्स कम टुगेदर, आंसर कितना आ रहा था, 6 फैक्टोरियल अभी हमने सॉल्व किया और 3 फैक्टोरियल। अब बस इन दोनों को सब्रैक्ट करना है, तो लीजिए बस मैं यहाँ सब्रैक्ट कर रही हूँ, स्टेटमेंट यही लिखना है आपको, वोवेल नेवर कम टुगेदर इक्वल्स टू 8 फैक्टोरियल माइनस 6 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई 3 फैक्टोरियल। तो ये लीजिए आपका आंसर जो है वो रिस्पेक्टेड आंसर जो है वो यहाँ सॉल्व, इज यूजफुल फॉर यू। सो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड मेरे वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू।